कड़ा बोलिए धबा करा धबा कर दूंगा टेंशन मत लो पैसा बाजार रुपया सारे दो ये मछली मंडी है जहाँ पे बेसिकली मछली को ला के फिर उसकी बोली होती है। अभी बोलियाँ चल रही हैं, हमारे वाली मछली अभी नहीं पहुँची, जैसे ही वो पहुँचती है तो उसका आपको दिखाते हैं सेटअप। ये जी हमारे वाला रिक्शा है और बस यही मछली निकली है, बहुत कम मछली निकले। क्या करें, वो तो पहले मर गया था गर्मियों में। कैसे गर्मियों में मर गया? उसको दवा लग गया। ये तो एक चक्कर में तो इतनी तो पहले ही निकल आई थी। बस वो ही है। ये अब बेचने के लिए डाल रहे हैं इसमें। ये ढेरियां लगी हुई हैं सारी, ये बर्फ मछली को ठंडा करने के लिए है ताकि खराब ना हो अगर कहीं दूर जानी है तो। और ये है हमारे वाले मछली, ये शंकर सफाई कर रहा है, अब पानी मार रहा है ताकि खून वगैरह बह जाए, साफ सुथरी हो जाए। शंकर दरिया का मछली है। क्या रेट लगे है? अच्छा 50 रुपया सारे दो। 50 रुपया ये सारी लॉट बिकी है 170 रुपये किलो के हिसाब से। ये भाई हैं जिन्होंने ये खरीदी है, पेट चाक कर रहे हैं। अभी इसका सारी का वज़न होगा और वज़न होने के बाद पेमेंट मिल जाएगी। मछली वैसे बहुत ही कम निकली है हमारे अंदाजे से, बहुत कम। मछली के फार्म का तजुर्बा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। बाकायदा निगरानी या खेत के इर्द गिर्द बाढ़ ना होने की वजह से एक मौके पर स्प्रे वाली बोतल के फार्म के अंदर जाने से काफ़ी तादाद में मछलियों की मौत वाक़ हुई। दूसरा, मछलियों की खुराक का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तीसरी बड़ी गलती एक ही तरह की मछलियों को फार्म में पालना था। खुले तालाबों में ज़्यादा अफसाइश के लिए आपको मुख्तलिफ़ इकसाम की मछलियाँ फार्म में छोड़ना पड़ती हैं। ये था हमारा आज का वीलॉग। मिलते हैं आपसे किसी और वीलॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।